हेलो फ्रेंड्स, किचन शेफ एनीबडी कैन कुक में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों का हम लोगों का चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर से इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस देखते रहिए और जरूर से सब्सक्राइब कीजिए किचन शेफ एनीबडी कैन कुक। रोज की तरह आज भी नया रेसिपी के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया रेसिपी। आज का रेसिपी है समर स्पेशल मैंगो कलाकांत। गर्मी के मौसम तो आ गई है, इसमें सबसे अच्छी और टेस्टी चीज होती है आम यानी कि मैंगो। उसी से बनी हुई स्वीट डिश आप लोगों के सामने आज किचन शेफ एनीबडी कैन कुक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरूर अपने किचन में इसको ट्राई कीजिए। बहुत आसान से बन जाती है आम से बनी ये स्वीट डिश। तो देख लेते हैं पहले इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है इसमें पहला इंग्रेडिएंट होगा आम। यहाँ हम लोग लगभग 3 आम लिए हैं, जिसको मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग निकाल लिए हैं और उसका स्मूथ पेस्ट बना लिए। आप चाहे तो हाथ से भी मसल के इसका पल्प निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे पाउडर शुगर लगभग 1 कप, बाजार में आसानी से पाउडर शुगर मिल जाती है। अगर आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में सिंपल चीनी को पीस के भी ये बना सकते। 1 कप फुल क्रीम मिल्क हम लोग यहाँ पे लिए हैं। साथ ही साथ पनीर क्यूब लगभग 200 ग्राम, आप चाहे तो कोई भी पनीर यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आलमंड्स हम लोग लिए हैं कुछ पीसेस, लगभग 8-10 पीसेस। काजू वो भी 8-10 पीसेस। साथ ही साथ मिल्क पाउडर जो बाजार में आसानी से मिल जाती है वो 1/2 कप। घी, अच्छा देसी घी लगभग 4 चम्मच। पहले हम लोग जो पनीर लिए थे जो 200 ग्राम एक क्यूब है, इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेट कर लिए है पनीर को, पतला पतला करके ये ग्रेट कर चुके। अब एक कढ़ाई लेते जिसमें हम लोग मैंगो कलाकांत बनाएंगे, उसको पहले गैस में चढ़ा लेते। इसमें हम लोग पहले 2 चम्मच घी, देसी घी यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे और इसको हल्का गरम करना। याद रखिए दोस्तों, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। अभी जो ग्रेटेड पनीर यानी कि जो कद्दूकस किए थे पनीर को, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। पनीर को हम लोग हल्की आंच में लगभग 5 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद 1 कप मिल्क, यहाँ पे हम लोग फुल क्रीम मिल्क लिए हैं, आप चाहे तो टोंड मिल्क भी यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए लगभग 15 मिनट हल्की आंच में इसको पकाना है। देखिए दोस्तों, दूध पनीर के साथ अच्छे से घुल मिल गया है और दूध थोड़ा सा थिकन भी हो गया है, यानी कि दूध थोड़ा सा पानी कम हो गया है और पनीर पूरा ये पानी सोक कर लिया है। अब इसमें हम लोग जो मैंगो पल्प यानी कि जो आम मिक्सर ग्राइंडर में पीस के आम का जो पेस्ट बनाए थे वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए लगभग 15 मिनट इसको पकाना है। आम के साथ पनीर बिल्कुल अच्छे से पकना जरूरी है, पर ध्यान रखिए दोस्तों किसी भी तरह ये नीचे चिपक ना जाए। तो हल्की हाथ में चलाते हुए इसको 15 मिनट पकाना है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये पनीर आम के साथ पक रही है, अच्छा सा सुनहरा रंग भी आ रहा है, गोल्डन कलर हो रहा है, साथ ही साथ ये जो कंसिस्टेंसी है यो भी डीप होते जा रही है। अब इस स्टेज में हम लोग मिल्क पाउडर 1/2 कप इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये और भी थिकन हो जाएगा, और भी भारी हो जाएगा। पर ये याद रखिए दोस्तों, इसको हल्के हाथ में चलाते हुए लगभग 10 मिनट और पकाना है। देखिए पनीर और आम का मिक्सचर बहुत अच्छे से पक गया है और ये थिक भी हो गया, बिल्कुल पानी इसमें नहीं दिख रहा है। इस स्टेज में हम लोगों को इसमें पाउडर शुगर डालना है। यहाँ पे हमने 1/2 कप पाउडर शुगर डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। चीनी डालते ही ये जो मिक्सचर है बहुत ही स्टिकी हो जाती है, तो इसको हाई फ्लेम में लगभग 5-7 मिनट और फ्राई करना है, ताकि चीनी डालने के बाद जो भी थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो सुखानी है। पानी रहेगा तो कलाकांत अच्छी नहीं बनेगी, पर चीनी डालने के बाद भी ज्यादा चलाना नहीं है। जैसे ही पानी सूख के तैयार है, उसी तरह हम लोगों का मिक्सचर रेडी है। तो देखिए हम लोगों का मिक्सचर पूरा रेडी हो गया है, बिल्कुल पानी नहीं है और कितना अच्छा कलर आया है।
तो रेडी मैंगो कलाकंद के मिक्सचर को अब हम लोगों को एक घी से ग्रीस किया हुआ प्लेट में ट्रांसफर करना है। और देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। घी से पहले ही अच्छे से इसको ग्रीस कर लिए ताकि ये चिपक ना जाए प्लेट में। अगर प्लेट में थोड़ा बहुत चिपक गया तो फिर ये निकलते टाइम टूट जाएगी, तो इसीलिए घी से अच्छे से इसको ग्रीस करना जरूरी है। देखिए अच्छे से हम लोग इसको इसमें डाल रहे हैं और साथ ही साथ अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं ताकि ये जो कलाकांत है अच्छे से सेट हो जाए। तो हम लोग पूरी तरह से मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से ऊपर से मिला देते हैं ताकि देखने में ये ठीक लगे। अब अच्छे से हल्के से इसको टैप कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत पानी या घी रहेगा तो साथ में नीचे चले आए। अब गार्निशिंग के लिए आलमंड्स और काजू के जो टुकड़े हैं वो ऊपर से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद का यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी होता है। तो जरूर से अपने किचन में इसको ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक हम लोग के साथ शेयर कीजिए। देखिए 4-5 घंटे के बाद ये पूरी तरह से सेट हो गया है। अब इसको हम लोगों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेनी है। अब अपने हिसाब से साइज में इसको काट लीजिए। आप चाहे तो स्क्वायर शेप पे काट सकते हैं या आप चाहे तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, यानी कि स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में आप लोग काट सकते हो। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट लिए हैं इसको। अब छोटी छोटी टुकड़ों में काटने के बाद इसको हम लोग एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में डाल दिए सर्व के लिए। तो पूरी तरह से तैयार है हम लोगों का मैंगो कलाकांत। आशा करते हैं समर स्पेशल मैंगो कलाकांत बाय किचन शेफ एनीबडी कैन कुक आप लोगों को बहुत पसंद आए हैं। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों का चैनल, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हम लोगों का वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।